नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमें पता है कि पीएम मोदी बीते रोज़ यूक्रेन में रहते हैं और वहां के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से मिलते हैं। हर लीडर्स का एक अपना मिलने का तरीका होता है, वैसे ही अपने पीएम मोदी का भी एक मिलने का तरीका है, जहाँ पर वो नॉर्मली लीडर्स को या लीडर को गले लगाते हैं। पिछले महीने के 6 और 7 जुलाई के आसपास पीएम मोदी रशिया में रहते हैं और उस दौरे को भी बढ़ चढ़कर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ प्लस यूएस और यूक्रेन बढ़ चढ़कर उसको मॉनिटर करता है। और उनका ये उम्मीद था कि भारत किसी भी तरीके से जो रशिया का इन्वेजन है यूक्रेन में उसको क्रिटिसाइज़ करे, लेकिन भारत अब तक किसी भी तरीके से रशिया का जो इन्वेजन है उसको क्रिटिसाइज़ नहीं किया है। अब यहाँ पे कहने का ये मतलब नहीं है कि भारत अगर नहीं किया है तो भारत गलत है। हर देश के अपने इंटरेस्ट होते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि भारत ऑलमोस्ट 100% ऑयल इंपोर्टर देश है और रशिया से हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। और जहां तक बात किया जाए डिफेंस के बारे में, तो भारत का डिफेंस अभी भी बहुत हद तक रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है। और भी इसके अलावा भारत और रशिया के बीच में जो संबंध है वो काफ़ी सालों से अच्छे हैं। तो जब आपके पास एक ट्रस्टेड अलाय होता है तो आप किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट यूज़ नहीं करना चाहते हैं जो स्टेटमेंट उनके इंटरेस्ट के खिलाफ जाए। और जहाँ तक बात किया जाए रशिया का जो इन्वेजन यूक्रेन में है उसको लेके, तो रशिया जो कर रहा वो गलत कर रहा, ये कहने के पहले हमें ये भी देखना है कि कौन कौन से देश उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और जो देश उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उनका क्या बिहेवियर रहा होगा। वॉर चाहे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो, चाहे वॉर म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में हो, जो सबसे अधिक कैजुअल्टी होता है वो वहाँ के सिविलियंस को होता है। चाहे जिस तरीके से इसराइल गज़ा में बॉम्बिंग कर रहा हो, चाहे जिस तरीके से यूएसए अफगानिस्तान में इन्वेड किया हो, इन सब जगह पे कुछ अचीव हुआ हो चाहे ना हुआ हो, लेकिन इस चीज़ से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि इस पूरे प्रोसेस में जो सिविलियंस है उनका सबसे अधिक कैजुअल्टीज़ हुआ था और हुआ है। आप रूलिंग गवर्नमेंट को सपोर्ट करें या ना करें, आप पीएम मोदी को सपोर्ट करें या ना करें, ये एंटायरली एक आपका पॉलिटिकल डिसीजन है। लेकिन मैं एज ए स्टूडेंट जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो ये है कि 2014 से जो भारत का डिपेंडेंसी था या जो हमारा फॉरेन पॉलिसी था, इसमें एक काफ़ी अच्छा विस्तार हमें देखने को मिला है। और जहाँ तक बात किया जाए यूक्रेन जाने का, तो अगर आप इस पूरे टाइम पीरियड में अगर आप यूक्रेन जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि आपका जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट है और किसी भी देश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। कहने का मतलब है कि यूक्रेन किसी टाइम पे यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था। जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो उसमें से 15 कंट्रीज़ का फॉर्मेशन होता है, उसमें से एक देश यूक्रेन भी रहता है। लेकिन पीएम मोदी सबसे पहले प्रधानमंत्री बने हैं जो यूक्रेन गए हैं, एज एन यूक्रेन जब देश का फॉर्मेशन हो जाता है तब। अब सवाल दिमाग में ये आ सकता है कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन 1991 में हुआ, उसके बाद देशों का फॉर्मेशन हुआ, तो हमें इतना वक्त क्यों लग गया यूक्रेन जाने में। तो देखिए, कोई भी डिसीजन जो होता है वो एक डिसीजन जो होता है वो मल्टीपल चीज़ों से कनेक्टेड होता है। आपका फॉरेन पॉलिसी तभी इंडिपेंडेंट होगा, तभी स्ट्रांग होगा जब आप एज एन कंट्री आप स्ट्रांग होंगे, जब आपका देश का एक्सपोर्ट बढ़ चढ़कर होगा, जब आपका देश का विस्तार होना शुरू होगा, जब आपके देश के लोग अलग अलग देशों में जाएंगे और वहाँ पे अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में कुछ अच्छा करेंगे। तो रशिया एक बहुत ही बड़ा देश है, पावरफुल देश है, जो कि हम बहुत हद तक कह सकते हैं कि वो ये कभी भी नहीं चाहता कि वैसे देशों के साथ संबंध साधे जाएं जो किसी टाइम पे यूएसएसआर का हिस्सा था। कहने का मतलब है कि अगर आप व्लादिमीर पुतिन का अगर आप स्टेटमेंट्स वगैरह को सुनेंगे, जब वो पब्लिक स्पीच देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं रशिया को यूएसएसआर से कनेक्ट करते हैं। तो जब आप यूएसएसआर से कनेक्ट करते हैं रशिया को, तो कहीं ना कहीं ये मालूम पड़ता है कि जो देश बढ़ चढ़ के अलग हुआ है यूएसएसआर से, आप उसको वापस जोड़ना चाहते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि भारत अगर यूक्रेन से अगर अच्छे रिलेशन को साधता 10 साल या 5 साल पहले, तो ये हो सकता था कि रशिया उससे नाराज़ हो जाता। और रशिया के पास भी अपने वजह हैं, सभी देशों के अपने इंटरेस्ट होते हैं, जैसे कि भारत का अपना इंटरेस्ट है। और जहाँ तक बात किया जाए भारत और यूक्रेन के संबंध के बारे में, तो भारत और यूक्रेन के बीच में जो संबंध था वो बहुत ख़राब भी नहीं था, बहुत अच्छा भी नहीं था। हमारे पास ऐसे मल्टीपल ओकेजन्स आए हैं जहाँ पे यूक्रेन
पाकिस्तान को इनडायरेक्टली और बहुत हद तक डायरेक्टली वो सपोर्ट किया है, लेकिन उसके बावजूद साल 2021-22 में जो भारत और यूक्रेन के बीच में जो व्यापार हुआ था वो लगभग कुछ 3.5 बिलियन के आसपास का व्यापार हुआ था। और जब रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर शुरू हो जाता है तो उसका जो इम्पैक्ट था वो भारत पर भी पड़ा था। कहने का मतलब है कि भारत यूक्रेन से सनफ्लावर ऑयल इम्पोर्ट करता था, लेकिन क्योंकि वॉर हो गया तो इसलिए जो सप्लाई चेन था वो डिसरप्ट हो गया। तो आपको वो दौर याद होगा भारत में 2021 के आसपास का दौर, खास करके जून जुलाई के, जब भारत में कुकिंग ऑयल का कीमत काफ़ी बढ़ गया था। तो वो जो इम्पैक्ट हुआ था वो इम्पैक्ट इसीलिए हुआ था क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर शुरू हो गया था। और इन सबसे इतर अगर किसी भी तरीके से भारत रशिया और यूक्रेन के बीच में अगर वॉर रुकवाने में सक्षम हो जाता है तो पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि बीते 10 सालों में अगर इंडिया कुछ सबसे बड़ा अगर कुछ अचीव करेगा तो वो यही अचीव करेगा। और जहाँ तक बात किया जाए तो कोई भी देश कभी भी पब्लिकली ये सपोर्ट तो नहीं कर सकता है कि जो वॉर हो रहा है और जिस तरीके से वहाँ पे जो ह्यूमन कैजुअल्टी है, कोई भी देश उसको सपोर्ट नहीं करता है। और बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टेटमेंट कह ले जो दिया गया पीएम मोदी के द्वारा या इनफैक्ट हमारे डॉक्टर जयशंकर सर के द्वारा, उसमें से कुछ ये था कि भारत के ऊपर ये एलिगेशन है कि भारत पोजीशन ऑफ न्यूट्रैलिटी को मेंटेन करके रखा है, लेकिन उसके डिफेंस में जो हमारे तरफ से स्टेटमेंट आया है वो ये है कि हम कभी भी पोजीशन ऑफ न्यूट्रैलिटी को मेंटेन नहीं किए हैं। जो हमारा पोजीशन है वो बहुत ही साफ और स्पष्ट है कि किसी भी तरीके से वॉर नहीं होना चाहिए, और उस वॉर को जो रोकने का तरीका है या वॉर होना ही नहीं चाहिए, उस वॉर के होने के पहले हमें बढ़ चढ़कर डायलॉग और डिप्लोमेसी का सहारा लेना चाहिए। और उसके बाद अपने पीएम मोदी ये भी कहते हैं जेलेंस्की से कि आप डायरेक्टली रशिया के साथ इंगेज करें, कॉन्वर्सेशन में उतरें। अब बात यहाँ पे क्या है ना कि भारत अधिक प्रेशर भी क्रिएट नहीं कर सकता है, उसके पीछे एक नहीं उसके पीछे मल्टीपल रीजंस है। ये हो सकता है कि रशिया अभी इस वॉर को ख़त्म करना ना चाहे, रशिया के अपने इंटरेस्ट होंगे, जिस तरीके से लगभग 20-25% एरिया रशिया कैप्चर कर लिया है। अगर भारत किसी भी तरीके से अधिक काबिल बनने का प्रयास करेगा तो हो सके हमारा जो रिलेशन है वो रशिया के साथ ख़राब हो जाए। तो जब हमारे रिलेशन यूक्रेन के वजह से रशिया से ख़राब हो जाए तो उस चीज़ को हम कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सो कहने का मतलब है कि जो चीज़ हमें बाहर से दिखता है रियलिटी का वो बहुत ही एक छोटा सा हिस्सा होता है। हर देश के अपने इंटरेस्ट हैं, तो हमें कोई भी काम करना है तो हमें बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से काम करना है, जहाँ पे अगर हम किसी भी तरीके से अगर अपना हम रिक्वेस्ट सामने वाले देश के सामने रखते हैं तो हमें ये डेफिनेटली मालूम होना चाहिए कि सामने वाला देश जो हमारा रिक्वेस्ट है उसको रिजेक्ट ना करे। इनकेस अगर आपका रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सेटबैक होगा। और जैसे ही पीएम मोदी यूक्रेन पहुंचते हैं, उनको रिसीव करने के लिए जेलेंस्की वहाँ पे मौजूद रहते हैं, और वहाँ पे एक बड़ा स्क्रीन भी लगाया जाता है जहाँ पे ये दिखाया जाता है किस तरीके से इस वॉर में बच्चे को इम्पैक्ट हुआ है। कहने का मतलब है कि जब पीएम मोदी पिछले महीने जब रशिया में थे तो उसके ठीक एक दिन पहले रशिया के द्वारा कुछ मिसाइल्स वगैरह को दागे गए थे, जिस मिसाइल्स में से जो कुछ मिसाइल्स थे वो रॉकेट्स कह ले स्पेसिफिकली, तो कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स पे आके गिरे थे जो स्पेसिफिकली बच्चों का हॉस्पिटल था, तो वहाँ पे भी कुछ कैजुअल्टीज हुआ था। तो कहने का मतलब है कि जिस तरीके से जेलेंस्की पीएम मोदी को एक इमोशनल करना चाहते थे कि देखिए जो रशिया इन्वेड कर रहा वो बहुत ही गलत तरीके से इन्वेड कर रहा और आपको कुछ करना चाहिए, तो पीएम मोदी भी उसको मोर और लेस काफ़ी अच्छे तरीके से एक्नॉलेज करते हैं। हालांकि मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में ये कहा है कि जेलेंस्की के पास एक बहुत ही अच्छा मौका था जहाँ पे वो रशिया से डायरेक्टली इंगेज करते हैं, और जो भी रशिया और यूक्रेन के बीच में जो एक डायलॉग या जो कम्युनिकेशन का जो गैप था उसको रिजॉल्व किया जा सकता था। लेकिन रशिया और यूक्रेन वॉर में एक जो बहुत बड़ा चेंजिंग आया है वो आया है 7 अक्टूबर के बाद, जब हमास और इसराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि पूरे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ और यूएस का जो ध्यान होता है वो कंप्लीट तरीके से यूक्रेन से हट जाता है, और यूक्रेन को इस वॉर में ढकेलने का जो बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता है वो यूएस का जाता है। इसके पीछे का वजह एक नहीं, इसके पीछे का वजह बहुत सारे हैं। जिस तरीके से यूक्रेन को फाइनेंशियल एड दिया जा रहा, मिलिट्री सपोर्ट दिया जा रहा, भले यूक्रेन इस वॉर को जीत जाएगा ऑन पेपर्स, वैसे तो इम्पॉसिबल है लेकिन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम अज्यूम करते हैं,
तब भी यूक्रेन को इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका है कि उस डैमेज से उभरते उभरते यूक्रेन को काफ़ी लंबा वक्त लग जाएगा। तो शायद इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो हमारे तरफ से जो स्टेटमेंट दिए गए हैं ऑफिशियल स्टेटमेंट, वो ये है कि आप किसी भी तरीके से व्लादिमीर पुतिन से डायरेक्टली इंगेजमेंट बढ़ाइए अपना, और किसी भी तरीके से अगर बात को लेके अगर डिस्प्यूट हो रहा है तो भारत उस चीज़ को अपने तरीके से रिजॉल्व करना चाहेगा, या यूँ समझ ले कि भारत उस पूरे प्रोसेस में मीडिएट करना चाहेगा। पर्सनली मैं ये मानूंगा कि वो मोमेंट हमारे लिए काफ़ी शानदार होगा जिस मोमेंट में किसी भी तरीके से भारत का इंडल्जेंस हो रशिया यूक्रेन जो वॉर है उसको ख़त्म करवाने में। और उसके बाद अगर बात किया जाए पीएम मोदी का यूक्रेन विजिट का, तो ये टॉपिक अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसका कि सारा पॉइंट्स को एक ही वीडियो में कंपाइल कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मैं कोशिश करूँगा कि इस टॉपिक पर 2-3 वीडियोज़ और बनाया जाए। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।